सो आप अगर एक बेस्ट ग्राइंडर खरीदना चाहते हो या फिर ग्राइंडर के बारे में जानना चाहते हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ग्राइंडर के बारे में बताऊंगा, कौन सा ग्राइंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा एंड ग्राइंडर किस टाइप के, कितने टाइप के होते हैं एंड कौन सा टाइप का कहाँ पे यूज़ होता है, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप अगर ग्राइंडर के बारे में जानना चाहते हो तो। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्वराज, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ग्राइंडर के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बगल में घंटे आएगा उसको ऑल पे सेट करके रखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ, तीन टाइप के ग्राइंडर होते हैं, एक JMG एंड एक मिक्सर ग्राइंडर एंड एक सिर्फ नॉर्मल ग्राइंडर। तो इनमें से आप जो JMG है वो आपके जूस के लिए यूज़ होता है, JMG जूसर मिक्सर ग्राइंडर। और एक है मिक्सर ग्राइंडर जो मिक्स करेगा एंड ग्राइंड करेगा, और एक है सिंपल ग्राइंडर। तो ये तीन टाइप के नॉर्मल दरअसल ग्राइंडर आते हैं। तो इनमें से जो घर के लिए जो बेस्ट है वो बीच वाला यानी मिक्सर ग्राइंडर, वो मिक्स करेगा एंड ग्राइंडिंग जो पीसना है वो करता है। एंड आपके अगर जूस भी बनाना चाहिए तो हम मिक्सर जूसर JMG का ले सकते हो, जूसर मिक्सर ग्राइंडर। एंड आपका अगर होटल है या फिर घर में ज़्यादा ही कुछ वर्क के ज़्यादा कुछ काम है तो इसके लिए आप ये ग्राइंडर ले सकते हो। इससे ये पत्थर ग्राइंडर बोलते हैं इसको, ये पत्थर, इसके अंदर मोटर लगा हुआ है एंड पत्थर से ये पीसता है। सो पहले के ज़माने के जैसे हाथ हाथ के मदद से पीसते थे, अभी ये मोटर आने लगा है, अभी ये मोटर से पीसता है। सो आपका सिर्फ ग्राइंडर करना है तो आप पत्थर ग्राइंडर ले सकते हो, जिससे आपका चावल ग्राइंडिंग करना है या फिर दाल ग्राइंडिंग करना है या फिर बिरी या कुछ लाइक जो कुछ भी आपको ग्राइंडिंग करना है तो एक वाला पत्थर ग्राइंडर से आप कर सकते हो। इससे आपका मतलब एक बार में 2-3 किलो हो जाएगा। एंड अगर आप अगर मिक्सर ग्राइंडर लोगे तो आपको एक बार में 2-3 किलो नहीं होगा। तो इसको आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के लिए आप ग्राइंडर का यूज़ करना चाहते हो। एंड लाइक आप चटनी बनाना चाहते हो या कुछ पाउडर बनाना चाहते हो, मिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो। एंड आप अगर एक जूस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो, जूस एंड मिक्स करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर ले सकते हो। अगर एक ग्राइंडर खरीदना चाहते हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि इस टाइप का जो आपको दिख रहा होगा फोटो में, इस टाइप का ग्राइंडर आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड आप अगर ग्राइंडर खरीदने से पहले आपको कुछ चीज़ जानना ज़रूरी है, जैसे कि उसका वाटेज, उसका मोटर कितना बड़ा है। तो मोटर कितना बड़ा है सिंपल से आप चेक करने के लिए, कौन सा भी आप ग्राइंडर खरीदने जाओगे तो आप उसका वेट चेक कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा वेट होगा उसमें उतना बड़ा मोटर लगा हुआ रहेगा। जितना बड़ा मोटर रहेगा तो उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। मैं मोटा मोटा आपको हिसाब समझा देता हूँ, जितना बड़ा मोटर रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा एंड जितना छोटा मोटर रहेगा एंड उतना आपके लिए ख़राब, मतलब वो उतना जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसको उसके अंदर आप जितना लोड डालोगे, बड़ा मोटर होगा तो चल जाएगा एंड छोटा मोटर होगा तो जल जाएगा। तो इसलिए आप जितना बड़ा मोटर होगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड मोटर को कैलकुलेट किया गया है वाटेज के हिसाब से। तो लाइक जैसे कि आपका छोटा जो मिक्सर ग्राइंडर है इसमें कम मोटर, छोटा मोटर यूज़ किया गया है, इसमें 450 वाट का मोटर यूज़ किया जाता है एंड गया है ये वाले ग्राइंडर में। तो इसलिए आप जूसर मिक्सर ग्राइंडर आप इसलिए लेना अगर आपको जूस बनाना है एंड हल्का हुल्का काम है तो। एंड आपका अगर भारी काम है, आप बोलोगे कि मेरा जो जार है इसके अंदर मैं फुल करके मैं जूस बनाऊँगा या फुल करके मैं कुछ पाउडर बनाऊंगा या कुछ पीसूंगा, तो उसके लिए आप ये जूसर मिक्सर ग्राइंडर मत यूज़ करना, क्योंकि वो उससे इतना अगर हैवी लोड उसके अंदर दोगे तो आपका एक ही दिन के अंदर उसका जो मोटर है ये जल जाएगा। तो इसलिए आप ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करना तो आपका मोटर स्ट्रांग रहेगा। तो और हाँ, जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें भी आपको लो क्वालिटी का मोटर आता है। लाइक आप जो लोकल से खरीदते हो ग्राइंडर, सस्ता देख कर आप बहुत ही जल्दी जाकर खरीद लेते हो, बट उसके अंदर कितना वाटेज का मोटर लगा हुआ है ये एक बार भी नहीं देखते हो आप। क्यों नहीं देखते, बाद में आप पछताते हो, जब आप लेके आते हो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके अंदर आप ज़्यादा लोड दे देते हो तो उसका जो मोटर है ये जल जाता है। ग्राइंडर में कॉमन सा प्रॉब्लम है, इसका मोटर जल जाता है आप उसके ऊपर अगर आप अगर हैवी लोड दोगे तो इसलिए आप अगर हैवी के लिए, मतलब आप अगर एक ग्राइंडर खरीदना चाहते हो तो हैवी मोटर ही लाना, नहीं तो आपके लिए बाद में दिक्कत होगा, क्योंकि उसका मोटर ज़्यादातर ही जल जाता है। तो ज़्यादा बड़ा मतलब लाइक उसको वाटेज की सबसे डिवाइड किया गया है, तो आप जो नॉर्मली 750 वाट का ले लीजिए तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड उससे ज़्यादा अगर 900 वाट या फिर 1000 वाट का है तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एंड जितना आपका वाटेज बढ़ेगा उतना आपका ग्राइंडर का कॉस्ट बढ़ेगा। तो लाइक नॉर्मली आप जो ग्राइंडर खरीदने जाते हो लगभग आपको प्राइस के बारे में पता है
जैसे लाइक 1500 से 2000 रुपये में आप ले आते हो, बट वो वाला आपके लिए अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसके अंदर जो मोटर है ये छोटा 500 वाट का मोटर लगा हुआ है। 500 वाट का मोटर से आप हैवी यूज़ नहीं कर सके उसके, लाइक जो उसके अंदर जो जार दिया हुआ है उसको फुल करके आप अगर कुछ भी जैसे चावल को पीसोगे या फिर दाल को पीसोगे तो वो उसका मोटर है वो है जलने का चांसेस है एंड जल जाता है कभी कभी। तो इसलिए आप 750 वाट या फिर 1000 वाट का मोटर ले आना, तो आप उसके अंदर फुल करके दो या फिर जितने बार आप चलाओगे तो आपका मोटर इतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। एंड अगर उससे ज़्यादा आपका यूज़ है तो आप पत्थर ग्राइंडर लाना तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इनमें से आपको मैं बता दिया हूँ कि आप अगर ग्राइंडर ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले उसका वाटेज चेक करना एंड दूसरा आपका कौन सा यूज़ है। मेरे ओपिनियन पर मिक्सी ग्राइंडर है आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इसका जो प्राइस पॉइंट की बात करें तो आपको लगभग 3000 से स्टार्टिंग है। इतना आपका अगर प्राइस बढ़ेगा उतना आपका बेटर। आप अगर बेटर क्वालिटी चाहते हो तो आपको प्राइस थोड़ा देना पड़ेगा कंपनी को। तो इसी हिसाब से आप बता दो कौन सा कंपनी का लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लाइक आप ले सकते हो बहुत ही बढ़िया जो है वो प्रेस्टीज का ले सकते हो या फिर बजाज का ले सकते हो या फिलिप्स का ले सकते हो या उषा का ले सकते हो। इनमें से मैं चारों ब्रांड का आप कोई भी ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट आप मोटर ग्राइंडर ख़रीदने से पहले उसका मोटर को एक बार आप चेक कीजिए, लाइक उसका वज़न से आप चेक कीजिए। आपको अगर वज़न पता मतलब वाटेज नहीं पता है तो लाइक आपको नॉर्मल 6 kg आपका बॉक्स को मिलाकर, मतलब ग्राइंडर तो एक बॉक्स में आता है तो उसको बॉक्स को मिलाकर आप 6 kg आपका अगर वज़न होगा तो उसके अंदर 750 वाट का मोटर आपको आ जाएगा। एंड उससे कम है तो आपको 500 वाट का ही मोटर उसमें लगा हुआ रहता है। मैं आपको इसको फोटो में कंपेरिजन दिखा दिया हूँ, जैसे ये है 500 वाट का मोटर एंड ये है 700 वाट का मोटर। तो आप ही खुद ही डिसाइड कर लो कौन सा बढ़िया आपके लिए रहेगा एंड कौन सा घटिया। तो 700 वाट का मोटर का जो है लगभग 2500 से आपको स्टार्टिंग है 700 वाट का मोटर का ग्राइंडर। तो आप एक बेस्ट ग्राइंडर ख़रीदना चाहते हो तो मैं लिंक कुछ दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर चेक कीजिए। प्रेस्टीज कंपनी का ग्राइंडर एंड एक्सेट्रा मैं दिया हूँ कुछ, आप जाकर देख सकते हो। एंड जूसर, मेरे ओपिनियन जूसर मिक्सर ग्राइंडर ये वाला ग्राइंडर आप भूल कर भी मत खरीदना। ये इस टाइप के ग्राइंडर आपको ज़्यादातर गाँव में या फिर घर के आपके रोड के पास इसको बेचने के लिए लोग आ जाते हैं, इसको गलती से भी मत खरीदना, ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। एंड दूसरा है इसका जो ख़राब हो जाए तो इसका स्पेयर पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है आपके नज़दीक पर इलेक्ट्रिक शॉप जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के जो ग्राइंडर रिपेयर होता है वहाँ पर। एंड आपके पास जिस ब्रांड का, और एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जिस ब्रांड का आपको बस सर्विस नेटवर्क अच्छा है, जिस कंपनी का सर्विस केयर है आपके नज़दीक पर उस कंपनी का ले लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि आपका अगर कुछ भी ख़राब हो जाए तो सामान अगर इलेक्ट्रिक शॉप पर नहीं मिलता तो वहाँ पे मिल जाएगा इजीली। फ्रेंड्स, आई होप आपको पता चल चुका है कि किस टाइप का ग्राइंडर आपको लेना है। तो आपका घर के लिए ये वाला इस टाइप का ग्राइंडर ले लीजिए या होटल के लिए इस टाइप का ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड इसके प्राइस की बात करें तो आपको बेस्ट ग्राइंडर आपको लगभग 3000 से स्टार्टिंग है। आप 3000 से खर्च करके बढ़िया ग्राइंडर ले सकते हो। एंड मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बगल में घंटा आएगा उस कॉल पर सेट करके रखना। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।